प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, सेवा क्या है, उसके क्या गुण हैं, कैसे सेवा के जरिए हम अपने मकसद तक पहुंचते हैं, और कौन से लोग हैं जो खुश नसीब हैं जिन्हें सेवा करने का मौका मिलता है, इस और गुरु रामदास जी महाराज ने हमारा ध्यान दिलवाया। धरती पर इस समय 6 बिलियन लोग से ज़्यादा जी रहे हैं। 84 लाख जिया जो उनमें कितने करोड़ों अरबों खरबों रूहें भटकी हुई हैं, लेकिन मानव चोला 6 बिलियन लोगों को मिला है। उनमें से चंद भाई बहन खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें किसी पूर्ण महापुरुष के दर्शन करने को मिलते हैं। लाखों की संख्या में वो होंगे जिन्होंने शायद सत्संग में दर्शन किए, जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते थे कि जब उनके सदगुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, संत कृपाल सिंह जी महाराज गाड़ी में भी जा रहे हैं तो कई लोगों को उनके दर्शन हुए, कहीं और जगह पर गए तो ऐसे कई लाखों लोग ऐसे होते होंगे जिन्हें एक पूर्ण महापुरुष के दर्शन करने का मौका मिलता होगा। परसेंटेज बहुत कम, 6 बिलियन में से अगर कुछ लाख लोग भी हों, उनमें से चंद भाई बहन होते हैं जिन्हें नाम की देन मिलती है। वो और खुशकिस्मत जिन्हें नाम की देन मिली हो, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के समय में कोई 1.25 लाख लोगों ने ऑफिशियली उनसे नाम की देन ली, आँखों के जरिए जिन्हों को उन्होंने ऊपर पहुँचा दिया हो, उसकी संख्या तो गिननी मुश्किल है। और फिर उन भाई बहनों में से जिन्हें नाम की देन मिली है, चंद होते हैं जिन्हें सेवा का मौका मिलता है। तो सेवा का मौका मिले, ये एक भाई बहन जिसे नाम की देन मिली है उसकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। तो सेवा कैसे हमें करनी चाहिए, सेवा किस प्रकार की है, सेवा कौन कौन कर पाता है, और जिस खुशकिस्मत को सेवा करने का मौका मिलता है उसकी जिंदगी में क्या क्या होता है, उसको उस तोहफे का फायदा कैसे उठाना चाहिए, ये इस शब्द के जरिए गुरु रामदास जी महाराज हमें समझा रहे हैं। फरमा रहे हैं कि सद्गुरु सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम दे आया हर घनी। धनी कौन है, प्रभु का धन प्राप्त करने वाला कौन है, हर धनी। जिस मिल हर नाम दे आया, कि जब हम सिमरन के जरिए, ध्यान टिकाने के जरिए शब्द के साथ जुड़ते हैं और फिर शरीर से ऊपर उठ पाते हैं, पिंड आन ब्रह्मांड पार ब्रह्म को पार कर सचखंड में पहुंचते हैं, और आत्मा का मिलाप पहले अपने सदगुरु में होता है, फिर वो हमें पिता परमेश्वर में हरि में मिला देते हैं, तभी सब जहानों का धन हमें मिलता है, तभी हम धनी कहलाते हैं। अगर इस जिंदगी में आकर पिता परमेश्वर को जाना नहीं, पहचाना नहीं, उनसे मिले नहीं, तो फिर इस दुनिया का जितना भी धन कमाल है, जितनी भी शौहरत कमाल है, वो बेकार है। यही बार 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 महापुरुष हमें समझाते चले आए। तो यहाँ पर हमें गुरु रामदास जी महाराज समझा रहे हैं कि सतगुर सेवा सफल है बनी, कि एम क्या है। एम तो है आत्मा का मिलाप परमात्मा में करवाना,
और उस एम को पूरा कैसे किया जाए कि एक पूर्ण महापुरुष की हमें संगत में आकर नाम की दान मिलने के बाद सेवा करने का मौका मिले। तो सेवा चार किस्म की होती है, तन की, धन की, मन की और सूरत की। तो तन की सेवा किस किस्म की हुई? अब जैसे मिशन में लंगर में सेवा, प्याऊ पे सेवा, बाइसिकल स्टैंड पे सेवा, सिक्योरिटी में सेवा, पंडाल में सेवा और तरह तरह की सेवाएं जिसमें के तन की जरूरत होती है। जो भाई बहन इस किस्म की सेवा में लगे होते हैं उन्हें मौका मिलता है कि अपने तन के जरिए वो और मदद कर पाए। सेवा का मतलब क्या है कि किसी की मदद करना, वो सेवा निष्काम होनी चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि हमने सेवा की है तो हमें अब क्या मिल रहा है। जब हम इस भाव से सेवा करते हैं कि हमें इसका कुछ फायदा होगा तो वो सेवा नलीफाई हो जाती है, रिद हो जाती है। तो सेवा निष्काम भाव से होनी जरूरी है। जब हम सेवा कर रहे हों, किसी भी कार्य में लगे हों जिसमें के तन की जरूरत है। अब हजारों लाखों लोग सत्संग के प्रोग्रामों में आते हैं, उन्हें बैठाना, आराम से बैठाना, चाहे कोई बाहर ट्रांसपोर्टेशन में लगा हुआ है, किसकी गाड़ियां ठीक से पार्क हो जाएं, मोटरसाइकिल रखे जाएं, साइकिलें रखी जाएं, उनको पानी मिले, वो लंगर छक सकें और तरह तरह की सेवाएं, ताकि जो भाई बहन मिशन के साथ जुड़े हैं उन्हें महापुरुषों के वचन सुनने को मिले। वो भाई बहन जिनका ध्यान दुनिया की चीजों में लगा हुआ है, वो वहां से हटकर पिता परमेश्वर में लगे, तो वो सेवा तन की सेवा है। के साथ साथ दूसरी सेवा धन की है कि हम में से कई भाई बहन ऐसे हैं और बहुत से हैं जिन्हें प्रभु ने बहुत कुछ दिया, पिता परमेश्वर की दया में हुई और उसमें से वो धन के जरिए सेवा करते हैं ताकि महापुरुषों की जो टीचिंग्स है वो सब तक पहुंचे। हजारों लाखों लोग चाहे लंगर खाने के लिए आए, किताबें छपें और किस्म के लिटरेचर हों या किसी और जरिए जो अपने आप को जानने का रास्ता है, पिता परमेश्वर को पाने का रास्ता है, वो हम सेवा में लगाएं। असम कृपाल सिंह जी महाराज ने एक नियम हमें अपने आप को पिता परमेश्वर के पास ले जाने के लिए बाकायदे किसी रोजाना अभ्यास करने के लिए कहा। तो उन्हें एग्जाम्पल लेके कहा कि 10% दिन का समय हम अभ्यास में दें। तो वो 10% क्यों आया, कहां से आया कि बार बार महापुरुष समझाते हैं कि जो हमारी कमाई है उसका 10वां हिस्सा हम सेवा में दें, वो धन की सेवा। हर एक इंसान चाहे वो किसी भी स्टेज पर हो, वो धन की सेवा कर सकता है। तो इसीलिए बार 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 हमें ये समझाया जाता है कि जितना हम कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा हम सेवा में लें। संत कृपाल सिंह जी महाराज जब वो घर गृहस्थी में थे तो अगर 1 रुपया कमाते थे तो उसमें से पहले ही हिस्सा जो सेवा में लगाना होता था ना, वो पहले से निकाल देते थे और बाकी जो रहता था उसमें ही अपना गुजारा करते थे। वो सेवा भी हम सबको
बहुत मददगार होती है, और वो ऐसी सेवा है जो हम में से हर एक कर सकता है। कोई करोड़पति है तो उतने पैसे दे सकता है, और कोई 10 रुपए कमाता है तो उतने देता है, और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने कितनी दी है, लेकिन अपनी अपनी सच्चाई की कमाई का हिस्सा सेवा में लगाना, ये एक बहुत बड़ी सेवा है। तीसरी सेवा मन की है, मन की सेवा, मन बुद्धि का इस्तेमाल करना। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनकी समझ है, वो मन के जरिए, कोई मिशन के लिटरेचर में काम करता है, कोई आजकल के टाइम में सत्संगों की डी टेपिंग करके, चाहे उसे वीडियो में बनाओ, चाहे ऑडियो में बनाओ, चाहे किताबों में बनाओ, उस किस्म की सेवा है जिसके जरिए के बुद्धि का इस्तेमाल हो, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो, और उसके जरिए हम औरों तक महापुरुषों के वचनों को पहुंचा सकें, चाहे वो पब्लिकेशंस हो, चाहे वो पीआर हो, जिसमें कि मन बुद्धि का इस्तेमाल हो। मन की सेवा के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो यह है कि मन बुद्धि का इस्तेमाल हो, और दूसरा ये है कि मन को ऐसी स्टेज तक पहुंचाना जिसमें कि उसका विश्वास अपने सद्गुरु में पूर्ण हो। ये मन की सेवा का दूसरा हिस्सा है। हम लोग मुंह से बोलते कुछ हैं, लेकिन हमारी समझ कुछ और ही होती है। हम लोग महापुरुषों के दर्शन करके, उनसे नाम की देन लेकर, भजन अभ्यास में समय ना लगाते हुए कभी यहाँ भटकते हैं, कभी यहाँ भटकते हैं, कभी यहाँ माथा टेकते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, सोचते हैं शायद यहाँ से कुछ मिले, इधर से भी ले लो, यहाँ से मिले, इधर से भी ले लो, यहाँ से भी इधर ले लो, तो हमारा विश्वास अपने सद्गुरु में पूर्ण तरीके से नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मन हमें भटका रहा है, कभी यहाँ बहता है, कभी वहाँ बहता है, कभी वहाँ बहता है। तो मन उस अवस्था में हो जिसमें ये पूर्ण तरीके से हमारा विश्वास अपने सद्गुरु में हो, वो भी एक मन की सेवा है। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ये वाक्य अपने सत्संगों में सुनाते थे कि एक बादशाह था, उसका नाम था महमूद, उसके प्राइम मिनिस्टर था, मिनिस्टर थे, जैसा कि हर बादशाह के होते हैं, और बहुत से कर्मचारी थे, बहुत से सेवक थे। तो एक सेवक जिसका नाम आयास था, उससे बादशाह बहुत प्यार करता था। तो जब बादशाह आयास से बहुत प्यार करता था, तो जो आसपास के लोग थे वो आयास को सोचते थे कि इससे बादशाह क्यों ज्यादा प्यार कर रहा, कि अंदर घृणा पैदा होने शुरू हुई, और फिर वो बादशाह को अयास की कोई ना कोई उल्टी सीधी बात कर देते थे जब उन्हें मौका मिलता था। तो एक दिन बादशाह जब बहुत कुछ सुन चुका था, तो उसको लगा कि किसी तरीके से मैं इनको समझाऊं कि मैं अयास से क्यों ज्यादा प्यार करता हूं। बैठक बुलाई, उसमें अपने प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, अपने जो बाकी जो भी प्रतिनिधि थे अलग अलग जगहों के, सबको बुलाया, और उनको बुलाकर बादशाह ने जहाँ बैठा था, उसके सामने एक बड़ा खूबसूरत सा मेज था, उसके ऊपर एक प्याला जो हीरों से जड़ा हुआ था रखवाया, और साथ में एक बड़ा खूबसूरत सा एक डंडा मंगवाया। तो प्राइम मिनिस्टर से कहा कि डंडे से तुम इसको तोड़ दो। प्राइम मिनिस्टर का जहां पना, ये इतना खूबसूरत जो जार है, इसको तो तोड़ना
नहीं चाहिए तो बहुत खूबसूरत है। तो बादशाह ने जो बाकी मिनिस्टर से उनके भी कहा कि तुम इसको तोड़ दो, तो हर एक ने कोई ना कोई तरीका दे के यही कहा कि ये तो इतना खूबसूरत है, इतना महंगा है, इसको तो हम कैसे तोड़ सकते हैं। तो बादशाह ने अयास को बुलाया और उसे भी कहा कि डंडा लेके तुम इसको तोड़ दो, ये जो जग पड़ा हुआ है हीरे का। तो उसने डंडा उठाया तो हमसे तोड़ दिया, और जैसे उसने तोड़ा तो प्राइम मिनिस्टर और जो भी मिनिस्टर थे वो बोलना शुरू हो गए, तुमने ये क्या कर दिया। और बादशाह ने भी गुस्सा दिखाकर उसको कहा कि तू बहुत मूर्ख है, तूने इतना कीमती जार कैसे तोड़ दिया। तो अयास ने बड़े प्रेम से कहा कि जहां पर ना ये जार बहुत कीमती है, इसका मूल्य लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपके जो वचन है वो बहुमूल्य हैं, उनकी कोई कीमत नहीं। तो इस अवस्था तक पहुंचना मन की सेवा। हम लोग तो इस कान से सुनते हैं, इससे निकाल देते हैं, जो लगता है हमें फायदा होगा वो ही करते हैं। तो अपने सद्गुरु में पूर्ण विश्वास होना, ये जानना कि उनका हर शब्द हमारे लिए बेहतर होगा, उस अवस्था तक पहुंचना ही मन की सेवा है। मन हमें बहुत भटकाता है, कभी यहां लेके जाता है, कभी वहां लेके जाता है, कभी वहां लेके जाता है, कभी वहां लेके जाता है। हमें जानना चाहिए कि हर पल हर क्षण हमारे लिए जो कुछ होता है वो हमारी बेहतरी के लिए होता है। हमारे क्या कर्म है हमें मालूम नहीं, क्यों हम किस स्टेज में से जा रहे हैं हमें मालूम नहीं। तो जब हमें नाम की देन मिलती है तो हमारे सद्गुरु हमें संभालने का वादा करते हैं, वो चाहते हैं हम अपनी मंजिल तक पहुंचे। उनकी यही ख्वाहिश है कि जिस मकसद से हम इस धरती पर आए हैं कि हमारे सारे कर्म कट जाएं, वो पूर्ण हो, ताकि हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो और हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाने। तो सेवा मन की, जिसमें के मन हमारे कंट्रोल में हो, जिसमें के मन हमारा भटके नहीं, जिसमें के मन को पूर्ण विश्वास अपने सद्गुरु में हो, वो एक बहुत बड़ी सेवा है जो हम अपने लिए कर सकते हैं।